Please subscribe my channel Reet Designs and press bell icon to see my all latest videos. Hello friends, welcome back. आज मैं आपको सिखाऊंगी beautiful sleeve design with cutting and stitching, वो भी बहुत easy way से. Let's start. तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है. ये जो ओपन वाली साइड है मैंने अपनी तरफ रखनी है और बंद वाली साइड हम इस तरफ रखेंगे, बिकॉज इसमें गैप देना है हमने एक एक इंच का कम से कम. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से. इस तरीके से हमने इसको सीधा रख लेना है, यू कैन सी. अब यहाँ से एक एक इंच बाहर की ओर, टोटल एक एक इंच आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क कर रही हूँ एक एक इंच पे. तो मैंने एक एक इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है. ये मेरा गैप हो जाएगा स्लीव का. इसमें हमारे बो आएंगे वाइट कलर के. इस तरीके से मैंने ये सीधा सीधा मार्क कर लेना है. अब आपको अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है, अपनी जितनी भी लेनी है. ये गैप हमने बीच में काउंट करना है और ये हमारे सीधी वाली साइड पे आएगा, यहाँ पे आगे आएगा. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनको बीच में काउंट करना है. मैं अपनी लेंथ ले रही हूँ स्लीव की इस तरीके से. पहले मैं इसको इस तरीके से, मैंने इसको एक्स्ट्रा मार्जिन ये कवर कर लिया है फोल्डिंग का. तो मैं यहाँ से ले 19.5 ले रही हूँ, ये 19 इंचेस रेडी आ जाएगी. तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसको मार्क कर दूंगी. अब मैं यहाँ से ली 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, ऐसे यहाँ से भी 2.5 इंच लूँगी मैं. मैंने आर्म होल के लिए जो मार्किंग करनी है ये मैंने यहाँ से भी 2.5 इंच कर दी है. अब मैंने इसको कवर करना है बीच में. तो मेरे चेस्ट का नाप है 20 इंच, तो मैं यहाँ से 7.5 ले रही हूँ, यू कैन सी. 38 इंच हमारे पास चेस्ट का नाप है, तो हमने ये 1 इंच बीच में कवर करके 7.5 ले रही हूँ यहाँ से इस तरीके से. तो ये जो हमारा आर्म होल है इस शेप में यहाँ तक आएगा प्रॉपरली, ऐसे आ जाएगा ये हमारा आर्म होल. तो मैं यहाँ से मोरी भी जो लेनी है, मैंने 4.5 इंच मोरी है हमारी, 4 इंच ही है. तो मैं यहाँ से 4 इंच पे, 1 इंच हमारा यहाँ हो गया, 3 इंच इधर को आगे, इस तरीके से मैंने इसको सीधा सीधा मार्क कर देना है. ये 1 इंच हमने कवर करना है बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग आएगी, स्ट्राइप्स आ जाएंगी, ओपन रहेगी इतनी स्लीव हमारी आगे से. अब मैं यहाँ से कटिंग करूँगी इसकी, इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ अपनी स्लीव की कटिंग कर देनी है. ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग. ये हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्डिंग का आ गया, ये हमारे पास डिजाइनिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरीके से इसको डिजाइन करना है. तो फ्रेंड्स, हमारी जो स्लीव में गैप है वो 2 इंचेस का आ जाएगा. हमने डबल फोल्ड करके रखा था, वो 1 इंच का मैंने गैप लिया था. तो ऐसे खोलने के बाद ये 2 इंच का आ जाएगा. ये ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक है, इसकी मैंने इसमें डिज़ाइनिंग देनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से. ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इसको मैं ऊपर से इक्वल कर लूँगी इस तरीके से. तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है. मैंने ये यहाँ पे 1.5 इंच के गैप पे, यू कैन सी, ये 1.5 इंच का मैं चौड़ाई ले रही हूँ इसकी. मैंने ये स्ट्राइप बनानी है डबल फोल्ड करके. आप मार्क करके भी लगा सकते हो ये सिलाई, मैं अपने आइडिया से लगा रही हूँ. बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए हमारी ये, बिकॉज़ मैंने इसके बो बनाने हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से. ऐसे मैंने 1.5 इंच के गैप पे सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है. ये हमारी सिलाई लग चुकी है. अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दूंगी इस तरीके से. मैंने धीरे धीरे एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देना है.
अब मैं इसको फ्लिप करूंगी। जैसे हम डोरी पलटते हैं मैंने सेम इसको वैसे ही फ्लिप करना है। इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी। अब मैं इसको आयन करूंगी। मैंने ये जो सिलाई है वो सेंटर में लेनी है। इस तरीके से मैंने सेंटर में लेके इसको फ्लिप करना, आयन करना। ये मैंने एक पट्टी रेडी करके रखी है। इस तरीके से ये ऊपर से प्लेन आ जाएगा और बीच बैक साइड से सेंटर में सिलाई आएगी। तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस काटे हैं 3.5 इंच के। आप देख सकते हो मैंने 3.5 इंच के छोटे छोटे पीसेस काटे हैं, बिकॉज़ हमारा गैप जो 2 इंच का है, तो ये सिलाई में दबने के बाद 2 इंच का रेडी आ जाएगा। इसलिए मैंने अब ये मैंने जो अपनी स्लीव ली है वो मैंने सीधे एक पार्ट लिया है उसका और सीधी साइड ली है। ये शोल्डर वाली साइड है, ऊपर वाली जहाँ से हमारा शोल्डर अटैच होगा। तो हमने अपनी एक स्ट्राइप जो है वो ऊपर की तरफ अटैच करनी है। ध्यान में रखिए स्लीव की, जो स्लीव का मैंने एक पार्ट काटा है वो सीधा रखा हुआ है। मैंने इस तरीके से मैंने सीधे 7.5 इंच के मार्जिन लेके सारी स्ट्राइप्स को अटैच कर लेना है। गैप भी 0.5 इंच का ही देना है हमने अपनी स्ट्राइप्स में। गैप अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं 0.5 इंच का गैप दे रही हूँ। आप भी 0.5 इंच का ही दीजिए। इस तरीके से हमने अपनी सारी स्ट्राइप्स को अटैच कर लेना है वन साइड पे। ये ऊपर शोल्डर वाली साइड से मैं इसको अटैच कर रही हूँ नीचे मोरी तक। ऐसे मैंने अटैच कर ली हैं सारी स्ट्राइप्स। अब मैं इनको सीधा करूँगी इस तरीके से। तो अब मैंने अपनी स्लीव की दूसरा पार्ट इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रखना है। इसको मैं पलट लूँगी। पहले मैंने शोल्डर वाली साइड से स्ट्राइप्स को अटैच किया था, अब मैं मोरी वाली साइड से अटैच कर रही हूँ ताकि हमारा जो गैप है वो इक्वल आए। और ये आगे फोल्डिंग का मार्जिन है, फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ के मैं अपनी स्ट्राइप को अटैच करूँगी इक्वल डिस्टेंस पे। ये भी मैंने सीधा रखा है नीचे वाला पार्ट। और अब आप देख सकते हैं जो वो पहले वाला पार्ट था वो उल्टा हो गया है और नीचे वाला पार्ट सीधा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी अपने 0.5 इंच का गैप देके अपनी स्ट्राइप्स को अटैच कर लेना है दूसरी साइड से। ऐसे मैंने अपनी सारी स्ट्राइप्स को अटैच कर लेना है। ये ऊपर तक मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड से इंटरलॉक कर दूंगी फिनिशिंग के लिए। यू कैन सी मैंने इंटरलॉक कर लिया है दोनों साइड से। इसमें फिनिशिंग भी आ गई है। अब मैं इसको सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगी। अब ये ऊपर शोल्डर वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं किनारी किनारी की सिलाई लगाऊंगी। एक पैर छोड़ के लगाऊंगी मैं ताकि जो हमारा पीछे से बो वाली मार्जिन है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। वो 0.5 इंच का मार्जिन है तो ये मैं एक एक पैर का गैप देके सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो वो मार्जिन है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और बाहर की तरफ ना दिखाई दे, बिकॉज ये ओपन स्लीव है हमारी। इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। यू कैन सी ये पीछे से अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं दोनों साइड से। अब मैं मोरी का निशान लगा रही हूँ 4 इंच का। यहाँ पे मैंने 4 इंच का निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से अपने मोरी को स्टिच कर दूँगी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने मार्किंग के साथ साथ इसको स्टिच कर लेना है अपनी स्लीव को। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाऊंगी। अब मैंने ये जो स्ट्राइप्स लगाई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसको बो में किस तरह से बनाना है उसका बो। ऐसे मैं इसको सेंटर से उठा के
हैंड स्टिच कर दूंगी अच्छे से, और इसके इसके ऊपर एक पर्ल लगाऊंगी। हमने जो सबसे ऊपर वाली स्ट्राइप है उसको छोड़ देना है, बिकॉज वो सिलाई में दब जाएगी शर्ट के साथ स्टिच करते हुए। इस तरीके से मैंने बो बनाने हैं छोटे छोटे, हैंड स्टिच कर देना मैंने इनको सेंटर में से। आप मार्क करके भी इसको स्टिच कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगता हो आप वैसे कर सकते हो इसको स्टिच। ऐसे मैंने इसको स्टिच कर दिया है तो ये बो शेप में आ गया है। अब इसके ऊपर मैं छोटा सा पर्ल लगाऊंगी, इस तरीके से मैंने छोटा सा पर्ल इसके ऊपर लगा देना है। तो ये ऐसे बो मैंने सारे इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं, बो अपने ये मैंने रेडी किया है। ये हमारे सारे बो रेडी हो चुके हैं, तो पहनने के बाद ये स्लीव कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्लीव रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरीके से अपनी कुर्ती की या सूट की स्लीव रेडी कर सकते हो ब्यूटीफुल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रीट डिज़ाइन। थैंक यू।